ये देखो तिरंगा कितना लंबा तिरंगा है। ओए होए। तो दोस्तों बताओ सरप्राइज क्या है, इस बॉक्स में क्या है? चलो विनोद जी ओपन करते हैं। विनोद जी को पता नहीं है, मुझे तो पता है, लेकिन विनोद जी को देखो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद आज 24 के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्रोटीन रेडी है, आज शेकर भी नया है और प्रोटीन वही है। तो दोस्तों जस्ट मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, कुछ वीडियो एडिट करना बाकी है। वो वीडियो एडिट करने के बाद में मैं ड्रेस चेंज करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए। आज जाना है मुझे फतेहपुर। तो दोस्तों ऑफिस में थोड़ा काम करने के बाद में अब हम निकल चुके हैं फतेहपुर के लिए। ड्राइव कर रहे हैं विनोद जी, और विनोद जी ही ड्राइव करेंगे क्योंकि मैं करने वाला हूँ थोड़ी रेस्ट। कमर थोड़ा सीधा कर लेता हूँ अभी, थोड़ा शिखर निकलते ही अपन भैया लेट जाएंगे। दोस्तों ये देखो शिखर का मार्केट, और ये इंसान देखो भाई कितना लंबा आदमी है। और ये इंसान देखो भाई कितना लंबा आदमी है। चारों तरफ झंडे ही झंडे लगे हुए हैं, यानी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करने की तैयारी में हैं। और ये पुलिस बंदोबस्त कर रही है चीजों से लेके। बीच में कुछ लोग इधर उधर टैक्सियां खड़ी कर देते हैं, मतलब लोग गाड़ी कैसे खड़ी करते हैं पता नहीं है। भारत माता की जय। तो ये देखो आपको रैली भी दिखाई दे रही है आज। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, हम बाहर से उधर फतेहपुर रोड से जाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि यार उधर खड्डे वड्डे बहुत ज्यादा हैं, तो हम सोचते इधर से चलते हैं। वाह ये देखो तिरंगा कितना लंबा तिरंगा है। ओए होए 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 कितना बड़ा तिरंगा यार, वाह। देखो 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 डीजे वीजे चल रहे हैं, वाह 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 वाह। और ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति देखो, ये रही। ये शिखर में सबसे सुंदर जगहों में से एक मान सकते हैं अपन ये जो सर्किल है, क्योंकि एकदम पार्क एकदम पूरा मेंटेन रहता है। यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं कोई ना कोई, अभी भी इसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो कुछ इवेंट करने की या 15 अगस्त के हिसाब से कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। विनोद जी डिवाइडर के नज़दीक से आपने बहुत नज़दीक से मोड़ा है, ये आपकी गलती है। ये देखो हर घर तिरंगा लगाओ इधर। तो दोस्तों शिखर से हम बाहर निकल चुके हैं और हाईवे पर आ चुके हैं, अब मैं फरमा रहा हूँ थोड़ी रेस्ट। तो चलो मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ और विनोद जी चलाते गाड़ी। विनोद जी को सख्त हिदायत है कि आराम से चलाना भैया, कोई दिक्कत होती मुझे बताना, मैं ड्राइव कर लूँगा। वैसे विनोद जी अच्छा चलाते गाड़ी। ओके। और ये देखो दोस्तों क्या हो गया है भैया, ये क्या हो गया है, गड़बड़ 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 जाला, क्या हो गया है भैया, ये क्या हो गया है, गड़बड़ 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 जाला। और ये दोस्तों एक होटल अच्छी थी फतेहपुर से पहले। तो दोस्तों गेस करो हम कहाँ पे हैं, और आपके लिए सरप्राइज है। पिछली बार दिखाया था लेकिन आज थोड़ा अलग नज़ारा देखने मिलेगा। और हम हैं देखो उसी बावड़ी पे। ये पहले इसके पीछे पीपल का पेड़ देखो, क्या बात है कितना घना घना। और उसके बाद में ये देखो पानी, इसमें पानी आ चुका है, थोड़ा गंदा है पानी लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल नज़ारा। यही वो बावड़ी है जहाँ पे शाहरुख खान रानी मुखर्जी की फिल्म पहली की शूटिंग हुई थी। और यहाँ से शाहरुख खान इस गेट से एंटर करते हैं, वो वाला यहाँ पे डांस का सीन है। पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल से बता दिया, अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो आई बटन पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन पे जाओ। ज़्यादा वो बातचीत नहीं करिए, बस विनोद जी को पूछेंगे कि विनोद जी कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ज़बरदस्त दोस्तों, देखने पर लगता है कि यार इतने दिन पहले, आज से हजारों साल पहले, सैकड़े साल पहले अगर किसी ने ये बनवाया होगा तो मतलब किस लेवल का दिमाग रहा होगा उसका। एक बार देखो एकदम बराबर, एकदम
वो बोलते हैं ना सिमेट्री, मतलब। तो दोस्तों बताओ सरप्राइज क्या है, इस बॉक्स में क्या है? चलो विनोद जी ओपन करते हैं। विनोद जी को पता नहीं है, मुझे तो पता है, लेकिन विनोद जी को देख। ये बस बच्चे के जूते का डब्बा है, लेकिन मैं इसमें डाल के लाया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो क्या निकलने वाला, देखो वाह। अरे ये तो एडवर्टाइज हो गया, चलो निकालो। अच्छा सर है इसमें कुछ? ऐसा लग रहा है ऐसा है जो सुकून देगा। ये दोस्तों इस तरह लगता है जब इसको अनबॉक्सिंग करें, कि कोई गहना हो ना, कोई सोने के ठाव हो, कोई या जैसे कोई बीयर का कैन हो। नहीं, ये भी वही है, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। चलो देखते किन किन दोस्तों। ये दोस्तों एनर्जी ड्रिंक है, कैफीन और इसमें विटामिन B12 है, बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी अच्छी विटामिन है। तो अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे पार्टी। करो ठंडी ठंडी एंजॉय। वाओ क्या फीलिंग, शानदार। और अभी क्या है, थोड़ी सी पिक्चर्स फोटोग्राफी लेने वाले एनर्जी ड्रिंक के साथ, तो पहले वो ले लेता हूँ मैं। तो दोस्तों बावड़ी में रिकॉर्डिंग करने के बाद में, वीडियो बनाने के बाद में, रील्स बनाने के बाद में, अब हम निकल चुके हैं फतेहपुर के लिए। लगभग हम फतेहपुर के नज़दीक हैं और यहाँ पे आप ये देखते हैं कि ऐसे ट्रैक्टर बहुत सारे आते हैं। पिछली व्लॉग में मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं मामला, तो ये खतरनाक मामला हो सकता है। लेकिन मौसम देखो कितना आलिशान है, और ये गाय जो मैंने कहा था कि गाय यहाँ पर बहुत आती है, देखो सांड है ना, तो सांड या गाय जो भी है, मतलब मवेशी मान लो जी आप हिंदी में समझो। तो दोस्तों ये है फतेहपुर का दो जाटी बालाजी, कभी आपको यहाँ पे भी दर्शन कराएंगे। आज हम थोड़ा आगे निकल के जाएंगे, थोड़ा आगे आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे, तो पहले आज उसको कवर कर लेते हैं, इसमें दोबारा कभी विजिट करेंगे। तो लेकिन बाहर से आप दर्शन कर लो। जय हो बजरंग बली की जय, जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र जी की जय। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ATV बाइक चला के बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। हम फतेहपुर आए थे काम से, फतेहपुर से निकलने के बाद में थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर आगे चलते ये जगह आती है, तो यहाँ पे एक टीला है, देखो बड़ा सा ऊंचा सा टीला है, तो इस पर हमने ATV बाइक चलाई और बहुत ही मज़ा आया। विनोद जी कैसा लगा? शानदार, ज़बरदस्त। मतलब आप पहली बार चलाओ ना तो ऐसे मजबूत होकर बैठ जाएँ, क्योंकि आपको लगेगा कि गिरने वाले हैं। हाँ, और गिरेंगे भी नहीं आप। और ये ऊँचाई देखने को आपको कम लगेगी, लेकिन ऊँचाई पर जब वो बाइक रोटेट करती है, जब आप सीन में देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो चलो आपको दिखाते हैं हम सीन। जी बन पकड़ लीजिए, आना जो ये देखो विनोद जी क्या चला रहे हैं। अभी मैंने भी राइड किया और लेकिन ये जबरदस्त गाड़ी चला रहे हैं, तो जानते हैं इन भाई साहब से कि इस गाड़ी की क्या खास बात है। चला के थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसके फीचर्स को कुछ जान। तो भाई साहब ये क्या चीज है? ये अपनी क्या नाम से? ATV बाइक, डेजर्ट बाइक। और कितना सीसी का इसका इंजन है? 670 है। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, 670 सीसी का इंजन है। और ये देखो विनोद जी कैसे कर रहे हैं। विनोद जी सावधानी चलाना, क्योंकि थोड़े अलग तरीके से स्टीयरिंग काम करती है इसकी, है ना, गाड़ी जैसे काम नहीं करती। तो दोस्तों ये देखो रुको 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 रुको, ये देखो क्या चीज आ गई आज। ओ हो विनोद जी क्या बात है। चलो करो स्टार्ट, चलो। यस
आराम से चला जी, आराम से। भाई साहब इसका एक्सपीरियंस अलग ही था, और बीच में खड्डे आ जाते हैं तो उसका लगता है कि अभी गई अभी गई, लेकिन बचाते बचाते पहुंच गए सही जगह पे। अभी रोज रील बना रहे हैं, उनका मैं देखूं उनका रील शूट कर रहा हूं और वो चला के आ रहे हैं। तो ये देखो विनोद जी चक्कर कटा के आ गए हैं। मजा आ गया तो ऑफ रोड, बड़ी वाली ऑफ रोड चला के मजा आ गया दोस्तों। आज तक आपने ऑफ रोड देखी है? रोजी हट जाइ तो दोस्तों ये रोड आती है फतेहपुर से और रामगढ़ जाने वाली ये रोड है, इसी पे हाईवे काम चल रहा है और यहाँ पे जो जगह है वो है सेल्फी डेजर्ट होटल एंड रिजोर्ट रेस्टोरेंट सॉरी। तो यहाँ पे हमने मजे किए, एटीवी बाइक, ये छोटी वाली बाइक है बच्चों के लिए, एक बड़ी बाइक जो ऊपर गई है वो हमने चलाई और बहुत ही शानदार मजा आया हमने। तो दोस्तों अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और आगे बारिश, अभी फतेहपुर से थोड़ा किलोमीटर हम इधर हैं रामगढ़ की तरफ या चूरू की तरफ, और अभी बारिश आ गई है और दिखाई देना हो चुका है बंद बिल्कुल भी, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं फतेहपुर से सीकर की तरफ और बीच में ही हमने 8 बज गए हैं और हमारी एक मीटिंग स्टार्ट हुई है, तो वो चल रही है जूम के ऊपर ऑनलाइन, तो हम सिर्फ सुन रहे हैं उसको देख नहीं रहे, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सुन रहे हैं और सीकर पहुंचते जब तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो चलो मीटिंग भी लेते चलते हैं और रास्ते का एंजॉय भी करते चलते हैं। ऐसे सबसे आप सीख सकते हो।